वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टेट्स। आज हमारी वीडियो नंबर 58 और वीडियो नंबर 58 सिर्फ 12th क्लास के लिए नहीं, ये वीडियो आगे आने वाली क्लासेस के लिए और आगे आने वाले इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग करने वालों के लिए भी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मनी क्रिएशन। क्या पढ़ेंगे? मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। कभी बैठे बैठे ख्याल है कि बैंक, कमर्शियल बैंक जो होता है हमारे SBI है, PNB है, बैंक ऑफ इंडिया है, ये पैसा कैसे कमाते हैं? यानी ये लोग हमसे पैसा भी लेते हैं, उसके बाद हमें इंटरेस्ट भी देते हैं, तो ये लोग पैसा कैसे कमाते हैं, कितना कमाते हैं और कितना कमा सकते हैं, कोई लिमिट है क्या? तो आज हम पढ़ेंगे कि एक कमर्शियल बैंक कैसे पैसा कमाता है और कितना पैसा कमाता है। ठीक है, तो इसलिए हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक मनी क्रिएशन। तो देखो गाइस, एक चीज हमेशा याद रखना, मनी क्रिएशन का टॉपिक पढ़ने के लिए हमें थोड़े बहुत अजम्पशन लेने पड़ेंगे। अजम्पशन हमें पता है क्या होता है? ऐसी चीजें जो मान के चलेंगे कि ये ऐसा ही हो रहा है। इसको यार सोचो मत कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखो पहला अजम्पशन, ऑल बैंक्स आर वन यूनिट। हम क्या मान के चलेंगे कि दुनिया में जितने भी बैंक है वो सब एक ही है। सेकेंड, ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ बैंक, जितने भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, जितने भी छोटे छोटा अगर टॉफी लेने भी जा रहे हो ना, तो वो पैसा भी कहां? बैंक में जमा हो। ये दो अजम्पशन लेंगे, पहला कि सारे बैंक एक ही हैं ताकि हम पता रहे कितना फ्लो किसमें आ रहा है। सेकंड कि जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो क्या होगा? थ्रू बैंक ही होगा। अब समझना इस चीज को। आउट ऑफ द टोटल डिपॉजिट हेल्ड बाय द बैंक, जो टोटल डिपॉजिट हमने बैंक में जमा कराया, जैसे फॉर एग्जाम्पल मानते हैं 1000 रुपए, इट इज लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक टू कीप अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व। ये सारे बैंकों के लिए कंपल्सरी होता है कि जो 1000 रुपए जमा हुए हैं उनमें से कुछ पैसा, उसमें से कुछ पैसा तो एज अ रिजर्व साइड में रखें। क्यों? क्योंकि कल जब तुम ATM से निकालने जाओगे तो वो पैसा तुम्हें मिलना चाहिए ना। सो विच इज नोन एज लीगल रिजर्व रेशियो या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है LRR। यानी कि कमर्शियल बैंक को ये पॉलिसी है कि उनको अपने डिपॉजिट का कुछ हिस्सा एज अ रिजर्व रखना पड़ेगा। कितना हिस्सा वो कौन डिसाइड करेगा? द रेशियो इज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल बैंक। कौन डिसाइड करता है? सेंट्रल बैंक। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फॉर एग्जाम्पल मानते हैं 1000 रुपए, RBI ने बोला कि LRR की रेट है 20%। कितनी रेट है? 20%। यानी अपने डिपॉजिट का 20% रिजर्व में रखो, बाकी का जो करना तुम करो। ठीक है, इसका 20% कितना हुआ? ये यानी कि 200 रुपए। इसका मतलब 200 रुपए तो उसको रिजर्व में रखने पड़ेंगे और बचे 800 रुपए क्या करना, क्या कर सकता है? वो लोन पे चढ़ा सकता है। ठीक है, समझे LRR क्या होता है? तो अब इस LRR को लेके और इन दोनों अजम्पशन याद रखना कि सारे बैंक एक ही हैं और जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे बैंक के थ्रू, इन दोनों अजम्पशन को लेके और LRR को लेके हम समझते हैं कि एक कमर्शियल बैंक कैसे मनी क्रिएशन करता है। ध्यान समझना, हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें ये अजम्पशन भी काम आएंगे और थोड़ा सा दिमाग भी काम आएगा। देखो ध्यान से वापस समझा रहा हूं, अजम्पशन क्या है, क्या मनी क्रिएशन है, सब समझो। अजम्पशन पहला, ऑल बैंक आर वन यूनिट, सारे बैंक एक ही है। सेकेंड, ऑल ट्रांजेक्शन आर बैंक, जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे जब भी कोई पैसा खर्च करेगा तो वो सीधा कहां पे जाएगा? बैंक। ठीक है, देखो मनी क्रिएशन में बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज लेंड टू देम, इसका मतलब बैंक हमको उतना उधार दे सकता है जितना उसने खुद ने भी नहीं लिया। अभी कंफ्यूजिंग हो गया, इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब अभी देखो हम पहले एग्जाम्पल लेंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, फिर इस लाइन पर वापस आएंगे। ठीक है, देखो हमने माना कि डिपॉजिट कितना कराया मैंने बैंक में? 1000 रुपए। अब वो 1000 रुपए कैसे घूमेंगे देखना। 1000 रुपए जमा कराए और सेंट्रल बैंक ने बोला लीगल रिजर्व रेशियो कितना है? 20%। यानी कोई भी कमर्शियल बैंक अपने पास जितना भी पैसा है उसका 20% रिजर्व में रखेगी और बाकी लोन पे चढ़ा देगी। ठीक है, ध्यान समझो पैसा कैसे घूमेगा। हम पहले बात करते हैं फेज नंबर वन,
जहां पे डिपॉजिट कितना है 1000 रुपए, डिपॉजिट कितना आया है 1000 रुपए। या देखो यहां पर आते फेज नंबर वन, डिपॉजिट है 1000 रुपीज, ठीक है। अब इसमें से कितना रिजर्व में रखना है 20%, तो इसका 20% कितना हो गया 200 रुपए, कितना हो गया 200, यानी रिजर्व में कितना पैसा पड़ा रहेगा 200, तो लोन पे कितना चढ़ेगा बचा हुआ 800, समझ रहे हो, लोन पे कितना चढ़ा बचा हुआ 800। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब समझो क्या हो रहा है, ये सबसे समझने वाली चीज है, 1000 रुपए आए, 200 रुपए रिजर्व में गए और 800 रुपए कहां चले गए लोन में। अब समझ रहे हैं इस चीज को। अब क्या होगा, जिस बंदे ने ये लोन लिया है वो लोन घर पे ताल लगा के तो नहीं रखेगा पैसे, वो क्या करेगा इस पैसे को खर्च करेगा। वो क्या करेगा, सीधी सी बात है, अगर मैंने लोन लिया है तो पैसा कहीं लगाऊंगा, खर्च करूंगा, ठीक है ना। सो जो 800 रुपए लोन पे गए वो जैसे ही खर्च हुए, वो वापस कहां आ जाएंगे बैंक में। क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन लिया है कि ऑल ट्रांजेक्शन आर बैंक, तो जैसे ही 800 रुपए खर्च हुए वो घूम के वापस कहां आ गए बैंक के पास, वो घूम के कहां आ गए बैंक के पास। तो सेकंड फेज, अब बैंक के पास कितने रुपए आए हैं 800, यही पैसे घूम के कहां आ गए बैंक के पास 800। अब कोई क्या बोलेगा कि किसी और बैंक में जमा करा दिए, तो उसके लिए हमने अजम्पशन ले रखा है ना ऑल बैंक आर वन यूनिट, किसी भी बैंक में जमा कराएगा मानेंगे कि हमारे पास है, ठीक है। वापस देखो, इन 800 रुपए में से, इन 800 रुपए में से फिर से वही करेंगे, 20% रिजर्व में रखेंगे, यानी 160 रुपए रिजर्व में गए और बाकी 160 यहां गए, तो बाकी कितने बचे 640 रुपए, वो कहां चले गए लोन, बाकी 640 कहां चले गए लोन में। वो 840 जो हमारे पास आए हैं उसमें से 20% 160 बैंक ने रखा और 640 कहां चला दिए लोन पे, कितने गए 640। सेकंड फेज का कोई प्रॉब्लम? अब देखो वही बात कि जिस बंदे ने लोन लिया है वो बंदा उस पैसे को खर्च करेगा और वो जैसे ही खर्च करेगा वो कहां चला जाएगा वापस घूम फिर के बैंक के अंदर, कहां चला गया वापस घूम फिर के बैंक में वापस चला, ठीक है। अब 640 का फिर 20% निकलेगा जो कि कितना हो गया 128 रुपए, ठीक है, और बाकी 80% फिर लोन पे चढ़ेगा 512 रुपए। समझ में आया? तो हमने क्या करा, देखो डिपॉजिट सिर्फ 1000 रुपए का था, उस 1000 रुपए में से 200 उसने रिजर्व में रखे, 800 लोन पे चढ़ा, वो लोन का पैसा फिर आया, फिर उसने किसी और को लोन दिया 640 रुपए, फिर आया, फिर उसने 512 लोन दिए, तो वही 1000 रुपए अभी घूम रहे। ये क्या चलता रहेगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। अब बात आती है इस प्रोसेस की एंडिंग का, हो ध्यान से समझना इस चीज को, हमने अभी तक इस लोन के इंटरेस्ट की बात ही नहीं, ठीक है ना, तो ध्यान से समझना प्रोसेस कितना लंबा चलेगा, ये प्रोसेस कब तक चलेगा। इस प्रोसेस की एक लिमिट है, वो लिमिट क्या है कि जब तक ये 1000 रुपए 5000 बन जाएंगे, ये रिजर्व 1000 बन जाएगा और लोन कितना बन जाएगा, यानी कि 5000 रुपए हो गए जिसमें 1000 रिजर्व में रखा और 4000 क्या दे दिया लोन पे दे दिया। अब समझो इस चीज को, वापस इस लाइन का, बैंक ने कितना उधार लिया था हमसे 1000 रुपए, हमने बैंक में जमा करा था ना 1000 रुपए और बैंक ने उसे कितने बना लिए 5000, उस 1000 से बैंक ने कितने बना लिए 5000 रुपए, जिसमें से 1000 रुपए उसके पास डिपॉजिट पड़ा हुआ है जो कि रिजर्व है और बाकी 4000 रुपए उसने लोन पे दे दिए, सेम 1000 रुपीज। अब बात आती है, कंफ्यूजन ये होगा कि मैंने कैसे इसको 5000 पे छोड़ दिया, कैसे इसको 1000 पे छोड़ दिया, तो इसको हम कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। क्या कहते हैं इसको, मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर का मतलब कि बैंक ने अपने पैसे को कितना गुना कर लिया, उस मनी को कितने से मल्टीप्लाई किया, यहां पे कितने से मल्टीप्लाई हुआ 1000 से, कितना हो गया वो 5000 रुपए, 5 टाइम्स।
अभी फाइव टाइम्स मैंने कैसे लिख दिया अपने इच्छा से? ये फाइव टाइम्स कौन डिसाइड करेगा? ये फाइव टाइम्स डिसाइड करेगा हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। तो हमारी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन एल आर आर, वन अपॉन एल आर आर। पुट करके देखे, देखो कितना था हमारा 20%, वन अपॉन 20%, परसेंट हटाया ऊपर 100 आ गया, तो 20 100 by 20 5 times, यानी कि बैंक के पास जितना भी डिपॉजिट है वो उसका 5 गुना पैसा बनाएगा। कितना गुना पैसा बनाएगा? 5 गुना। देख लिया हमने कि उस 1000 रुपए से बैंक ने 5000 रुपए बना लिए। ठीक है, समझ में आया? अब देखो कैसे काम करता है। अगर मैं एलआरआर की रेट बढ़ा दू, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट की रेट बढ़ा दू, मान लेते 50% कर दी, इसका मतलब 1000 रुपए आए तो बैंक सिर्फ 500 रुपए लोन पे दे सकता है, बाकी 500 उसको रखने पड़ेंगे। तो एलआरआर कितना हो जाएगा? 50%, 1 अपॉन, तो परसेंट हटाया ऊपर 100, कितना हो गया ये? 2 times। यानी कि एलआरआर जितना ज्यादा होगा मनी उतना, ओ बैंक उतना कम पैसा बना पाएगी। यहां हमारा एलआरआर कितना था? 20%। तो 20% का मतलब बैंक कितना बनाएगी? 5 times। कितना बनाएगी बैंक? 5 times। यानी कि उसने जितना भी लोन दिया, जितना भी हमसे डिपॉजिट लिया, उस डिपॉजिट को 5 गुना बना देगी। अब देखो जो हमने लाइन छोड़ी थी ना, बैंक कैन लेंड, बैंक उधार दे सकती है, तो ये तो उसने 5000 उधार दिए थे, मोर देन व्हाट इज लेंड टू देम। बैंक ने हमको 5000 रुपए बना लिए, बैंक ने खुद के लिए, किससे? 1000 रुपए से। यानी बैंक ने 1 से 5 बना लिए, समझे? यानी बैंक ने, बैंक कैन लेंड मोर देन व्हाट इज लेंड टू देम, बैंक ने 4000 रुपए का लोन दे दिया, उसको कितने का लोन मिला? 1000 रुपए। उस 1000 से उसने 4000 का और लोन दे दिया और टोटल 5000 रुपए क्रिएट कर लिए। इसको हम कहते हैं मनी क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कैसे पैसा क्रिएट करती है? एलआरआर समझ गए, ये पूरी की पूरी टेबल समझ गए, इसको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, सो गाइस दिस इज इट फॉर द वीडियो। आज की वीडियो में हमने पूरा मनी क्रिएशन का टॉपिक देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शंस में आएंगे। सो दिस इज इट फॉर द वीडियो नंबर 58 एंड एट द लास्ट गाइस दिस, ये क्या है? ये मेरी बुक है जो मैंने खुद ने लिखी, ये तुम्हारा मनी क्रिएशन का टॉपिक, इसमें ये रहा, ये पूरा मनी क्रिएशन का टॉपिक है, ये वो बुक है जो मैंने लिखी है, इसकी लैंग्वेज, इस पे एक एक लाइन उसी लैंग्वेज में लिखी हुई है जैसे मैं यहां पढ़ाता हूं। सो इफ ये वीडियो अच्छी लगे और लगे कि इस बुक में कुछ बात है तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 769004125 6, वापिस रिपीट कर रहा हूं, 769004125 6, थ्रू व्हाट्सएप या नॉर्मल कॉल विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑनलाइन मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, एंड मैक्रो प्लस माइक्रो दोनों खरीद सकते हो, सिंगल खरीदनी है सिंगल भी खरीद सकते हो, डबल खरीदनी है डबल भी खरीद सकते हो। सो गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन इंडेक्स, वीडियो नंबर 58 आज खत्म हो चुकी है, इसके आगे वीडियोस बनेंगी और मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी खत्म होगी। सो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ओनली एट इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स।